तो गाइस आज का इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं कुछ इस टाइप का ब्लैक एंड ब्लू टोन फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, वो भी लाइटों में आपको यूज़ करके बहुत ही आसान तरीके में। तो गाइस इस एडिटिंग को सीखने के लिए आप लोग ये वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ज़्यादा बात के बिना आज का वीडियो को कर लेते स्टार्ट। तो गाइस उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को अपना फ़ोन में लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर अभी लाइटरूम ऐप को ओपन कर चुका हूँ और लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को ऐड फोटोज क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अभी आप लोग क्लिक करके अपना फोटो के ऐसे आप लोगों को सिलेक्ट करके ऐड करना है जिस भी फोटो को आप लोगों को एडिटिंग करनी है। तो यहाँ पर हम अभी एग्जाम्पल के लिए वाली फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप लोगों को इस ऐड क्वेश्चन पर ऐसे क्लिक करके आप लोगों को अपना फोटो के यहाँ पर लाइटरूम ऐप के अंदर ऐड करना है। तो अभी गाइस हमारा फोटो लाइटरूम ऐप के अंदर ऐड हो चुका है और लाइटरूम ऐप के अंदर ऐड होने के बाद फोटो यहाँ पर आप लोगों को ऑल फोटोज का ऑप्शन पर ऐसे क्लिक करके आप लोगों को अपना फोटो कैसे ओपन कर लें। तो हम ऐसा अभी ओपन कर लेते हैं। तो गाइस जैसे कि यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो तो इधर पे फोटो हमारा ओपन हो चुका है एंड यहाँ पर एडिटिंग के लिए भी ऑप्शन आ चुके हैं, ठीक है। तो इनमें से सबसे पहले आप लोगों को इधर से चले जाने कलर्स का ऑप्शन में। तो गाइस सीधे इधर पे कलर्स का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर लें और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसका टेम्परेचर की इधर आप लोगों को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर का आप लोग इंक्रीज़ करके 16 के आसपास रख लेने और आप इसका वाइब्रेंस को भी आप लोगों को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है। इसका वाइब्रेंस को आप लोग इंक्रीज़ करके +36 के आसपास रख लेने। देन गाइस यहाँ से भी आप लोग को चले जाने मिक्स टूल में। तो गाइस सिरे ऊपर मिक्स टूल का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करने और यहाँ पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप लोगों को अपने स्किन टोन को सही करने के लिए इधर से आप लोगों को चले जाने ऑरेंज कलर में। और ऑरेंज कलर में जाने के बाद या फिर इसका ह्यू के इधर आप लोगों को थोड़ा सा डिक्रीज करने, तो इसका ह्यू को आप लोग डिक्रीज करके -4 के आसपास रख लेने, ठीक है। और आप इसका सैचुरेशन को भी आप लोगों को हल्के से डिक्रीज कर लेने, तो इसका सैचुरेशन को आप लोग डिक्रीज करके -34 के आसपास रख लेने, ठीक है। और आप इसका लुमिनस को इधर आप लोगों को इंक्रीज करने, तो लुमिनस यहाँ पर आप लोग अपना हिस्सा बराबर इंक्रीज कीजिएगा, मतलब जितना आप लोग अपना स्क्रीन को व्हाइट चाहते हो उतने यहाँ पर आप लोग लुमिनस को इंक्रीज करके रख सकते हो। तो यहाँ पर हम अभी इसे 18 के आसपास रख लेते हैं। देन गाइस यहाँ से भी आप लोगों को चले जाने येलो कलर में और येलो कलर में जाने के बाद या फिर इसका ह्यू के इधर पर आप लोगों को फुली डिक्रीज कर लें -100 और आप इसका सैचुरेशन को भी आप लोगों को फुली डिक्रीज कर लें -100। देन इतना हो जाने के बाद अभी आप लोगों को चले जाने ग्रीन कलर में और ग्रीन कलर में जाने के बाद यहाँ पर भी इसका ह्यू के इधर पर आप लोगों को फुली डिक्रीज कर लें -100 और आप इसका सैचुरेशन को भी आप लोगों को फुली डिक्रीज कर लें -100। देन गाइस यहाँ से भी आप लोगों को चले जाने ब्लू कलर में और ब्लू कलर में जाने के बाद या फिर इसका ह्यू के इधर आप लोगों को थोड़ा सा डिक्रीज करने, तो इसका ह्यू को आप लोग डिक्रीज करके -50 के आसपास रखने और आप इसका सैचुरेशन के इधर आप लोगों को थोड़ा सा प्लस करने, तो इसका सैचुरेशन को आप लोग प्लस करके +76 के आसपास रख लेने। देन गाइस यहाँ से आप लोगों को और कुछ नहीं करना है, इधर से आप लोगों को सिंपली डन करने। डन करने के बाद गाइस यहाँ से भी आप लोगों को चले जाएंगे कलर ग्रेडिंग का ऑप्शन में। तो गाइस सिरे ऊपर कलर ग्रेडिंग का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करने और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों के एरो का ऑप्शन इधर पर दिखने को मिल जाएगा। इसी एरो का ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करने और यहाँ पर क्लिक करके या फिर इसका शैडो टोन का जो ह्यू है तो इसे यहाँ पर आप लोगों को इंक्रीज करने, तो इसे इंक्रीज करके आप लोगों को 193 के आसपास रख लेने, ठीक है। और आप इसका सैचुरेशन को भी आप लोगों को थोड़ा सा इंक्रीज करने, तो इसका सैचुरेशन का आप लोग इंक्रीज करके 20 के आसपास रख लेने। देन गाइस यहाँ से आप लोगों को चले जाने हाईलाइट टोन में और हाईलाइट टोन में आने के बाद या फिर इसका ह्यू कमांड की तरफ आप लोगों को 237 के आसपास रख लेने, ठीक है। और आप इसका सैचुरेशन को भी आप लोगों को हल्का सा बढ़ा लेने, तो इसका सैचुरेशन को बढ़ा के आप लोगों को 47 के आसपास रख लेने और आप इसका बैलेंस की तरफ आप लोगों को थोड़ा सा इंक्रीज करने, ठीक है। तो इसका बैलेंस को आप लोग इंक्रीज करके 50 के आसपास रख लेने। देन गाइस यहाँ से भी आप लोगों को और कुछ नहीं करना है, इधर से भी आप लोगों को सिंपली डैन करना है। डैन करने के बाद गाइस यहाँ से भी आप लोगों को चले जाने इफेस्ट का ऑप्शन में। तो गाइस सीधे इधर पे इफेस्ट का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करने और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसका क्लैरिटी को इधर आप लोगों को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, तो इसका क्लैरिटी को आप लोग इंक्रीज करके 20 के आसपास रखना है और आप इसका डीएज को भी आप लोगों को हल्का सा इंक्रीज करना है, तो डीएज को इंक्रीज करके आप लोग इधर पे 25 के आसपास रख रहे हैं, ठीक है। और आप इसका बिगनेटी की इधर पर आप लोगों को माइनस करना है, तो बिगनेटी को माइनस करके आप लोगों को -55 के आसपास रख लेने, ठीक है। और आप इसका मिड पॉइंट की इधर आप लोग कम करने, तो मिड पॉइंट का आप लोग इधर पे 13 के आसपास रख लेने और आप इसका फेदर की इधर आप लोगों को बढ़ा लेने, तो इससे बड़ा का आप लोगों को 100 करें, ठीक है। देन गाइस यहाँ से भी आप लोगों को चले जाने डिटेल्स का ऑप्शन में। तो गाइस इधर भी डिटेल्स का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करने और यहाँ पर क्लिक करके या फिर इसका शार्पनिंग का आप लोगों को हल्का से इंक्रीज करने, तो इसका शार्पनिंग का भी इंक्रीज करके 12 के आसपास रखने और आप इसका मास्किंग को भी आप लोग हल्का सा बढ़ा लेने, तो इससे बड़ा का आप लोगों को 72 के आसपास रखने और आप इसका नॉइस रिडक्शन को भी आप लोग थोड़ा सा इंक्रीज करने, ताकि फोटो जो है वो यहाँ पर फटे नहीं, स्मूथ रहे, ठीक है। तो इससे बड़ा का आप लोगों को 65 के आसपास रखने और आप इसका कलर नॉइस रिडक्शन को भी आप लोगों को बढ़ा लेने, तो कलर नॉइस रिडक्शन को बड़ा का आप लोगों को 76 के आसपास रख लेने। और इतना हो जाने के बाद अभी आप लोग यहाँ पर फोटो को हमारे देख सकते हो, यहाँ पर कंप्लीट एडिटिंग हो चुका है। ये रहा फोटो का बिफोर,
एंड आफ्टर जैसे तो एडिटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो कुछ इस टाइप से आप लोगों को भी अपना फोटो को एडिटिंग करना है, और एडिटिंग करने के बाद या सब लोगों को अपना फोटो को सेव करने के लिए सिंपली या सब लोगों को ऊपर शेयर का ऑप्शन पर ऐसे क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को सेव टू डिवाइस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करके आप लोगों को अपना फोटो को गैलरी में सेव करना है। और एक बात दोस्तों, इस फोटो एडिटिंग का प्रीसेट का लिंक भी आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, तो आप लोग जगह से प्रीसेट को भी इजीली डाउनलोड कर सकते हो।